डियर स्टूडेंट, बीएसटी से सेकेंड ईयर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम जो आपका पेपर पढ़ रहे हो, आपका सिक्स पेपर है, उसका नाम है आपका सिक्स पेपर जो है उसका नाम है आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड प्रोफिशिएंसी। और जो आपकी यूनिट चल रही है वो यूनिट है आपकी सेकेंड स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, आपका स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज चल रहा है, जिसमें हम आपके पंचुएशन मार्क्स पढ़ रहे हैं। तो पंचुएशन मार्क्स का मीनिंग मैंने आपको बताया था। पंचुएशन मीन्स द राइट यूज ऑफ पुटिंग द पॉइंट्स और स्टॉप आफ्टर द डिक्लेरेशन और आफ्टर द एंडिंग ऑफ द सेंटेंस। और उसमें हमने आपका जो फुल स्टॉप पढ़ा था, फुल स्टॉप का यूज भी पढ़ा था कि फुल स्टॉप क्या होता है। फुल स्टॉप इज द ग्रेटेस्ट वर्ड्स और सेपरेशन, और इसका यूज हम एब्रिवेशन में करते हैं और आफ्टर द एंडिंग ऑफ द डिक्लेरेशन या फिर डिक्लेरेशन ऑफ द स्टेटमेंट, इसके बाद में हम इसका उपयोग करते हैं। और आज जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा सेकेंड वाला कंजुगेशन मार्क, वो है द फॉर्म। ये आपके एग्जाम में आता है, आपको इसको पहले आपको वो लिखना है, ये लिखना है आपको। मतलब बड़े क्वेश्चन में आते हैं सारे पंचुएशन मार्क्स आपको एक साथ बताने हैं और फिर इसको एक्सप्लेन करना। फिर जो कॉमा है उसका हमारा साइन क्या होता है, ये होता है, ये आपको वहाँ पर लिखना है। तो कॉमा जो होता है एक स्मॉल पोज होता है, इसको आप स्मॉल पोज भी कह सकते हैं, शॉर्टेस्ट पोज क्या बोल सकते हैं इसको, यानी जहाँ पर हमें छोटा सा पोज लेना हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कोई भी सेंटेंस हमें लिखा है, वी आर गोइंग टू मार्केट, फिर यहाँ से हमने दूसरा कोई चीज़ शुरू कर दी, यानी आपको यहाँ पर थोड़ा सा रुकना है, फिर उसके बाद में आगे वाली चीज़ को कंटिन्यू करना। और जो फुल स्टॉप होता है उसमें हमको बड़ा पोज होता है उसमें ज़्यादा रुकना होता है, इसमें हमको लिटिल स्लाइड सा रुकना होता है, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब जो है कोमा जो है क्या रिप्रेजेंट करता है, कहाँ कहाँ पे यूज होता है, आफ्टर अ नॉमिनेटिव एब्जॉल्व, आफ्टर अ नॉमिनेटिव एब्जॉल्व। ठीक है, पहला इसका ये है, यानी जहाँ पर नॉमिनेटिव नाउंस वगैरह दी जाती है वहाँ पर हम इसका यूज करते हैं। फिर है जैसे कि द विंड बीइंग फेवरेबल, the wind being favorable, ठीक है, ये हो गया आपका नॉमिनेटिव जो चीज़ होती है वहाँ पर यूज होता है। नेक्स्ट जो है द सेपरेट वर्ड्स और फ्रेजेस, नेक्स्ट इसका यूज है द सेपरेट वर्ड्स और फ्रेजेस, जहाँ फ्रेजेस है या सेपरेटेड वर्ड्स दे रखे वहाँ पर भी इसका यूज होता है। गो गुड टुगेदर इन द पेयर्स फ्रॉम अदर वर्ड्स और फ्रेजेस सिमिलरली रिलेटेड, यानी कि जब हम दो चीज़ों के एक साथ यूज कर रहे हैं, जैसे हाई एंड लो, जब दोनों चीज़ें एक साथ सिमिलर जा रही है, कोई वर्ड्स हो, दो सेपरेटेड वर्ड्स हो जो एक साथ जा रहे हैं या फिर फ्रेजेस हो, तो फ्रेजेस में भी फ्रेजेस जो है आपके, मैंने आपको फ्रेजेस में पहले वाली क्लास में सिखाया था, जैसे वाइज एंड पुलिस, ये चीज़ें भी हैं। तो ये तो आपने एक इसका एग्जाम्पल हो गया वाइज है पुलिस, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है जैसे ब्रेक ऑफ,